एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि आप कैसे ये सिंपल मेकअप लुक कर सकते हैं और सिंपल बेसिक मेकअप चीज़ों के साथ और कम मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ आप ये मेकअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने फेस को धो लीजिए मेकअप करने से पहले, और अपने फेस को फिर आप किसी भी रोज़ वाटर या फेस टोनर आपके पास है उससे, कॉटन से आप फेस को क्लीन कर लीजिए। फेस को आप जब क्लीन करेंगे या फिर कुछ रोज़ वाटर या रोज़ टोनर लगाएंगे तो फेस जो होता है वो हाइड्रेट हो जाता है, ड्राइनेस नहीं आती है और उसके बाद मेकअप अच्छा होता है। तो अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे फेसेस अल्टाइम प्रो का प्राइमर, और प्राइमर लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी बाद ही जो आपका मेकअप होता है बहुत अच्छा बेस लगता है। तो यहाँ पर मैं प्राइमर लगा रही हूँ। आपके पास कोई भी प्राइमर हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको पूरे फिंगर्स से आप स्प्रेड कर लीजिए पूरे फेस पे और गर्दन पे। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे लैक्मे 925 की सीसी क्रीम। ये स्पेसिफिकली जिनकी ड्राई स्किन होती है उनके लिए बहुत ड्राई होती है, इसलिए आप चाहें तो कोई क्रीम मिक्स करके भी लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पे ब्रश ले रही हूँ, फाउंडेशन ब्रश, और उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर मिक्स किया है। उसके बाद मैं उसके ऊपर सीसी क्रीम को फैला रही हूँ, तो उससे क्या होगा कि जो सीसी क्रीम है बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी और अच्छे से स्किन में ब्लेंड हो जाएगी। तो ये ट्रिक आप चाहे बीबी क्रीम लगा रहे हैं या फाउंडेशन लगा रहे हैं तो भी आप ऐसा ट्रिक कर सकते हैं। अपने ब्रश को थोड़ा सा गीला कर लीजिए रोज़ वाटर से, या रोज़ वाटर नहीं है तो सिंपल वाटर भी ले सकते हैं। मेरा फाउंडेशन बेस लग गया है, अब मैं लगा रही हूँ सेम सीसी क्रीम को मैं अपने आईलिड पे भी लगा रही हूँ क्योंकि हम सिंपल आई मेकअप करने वाले हैं। तो सिर्फ आपको सीसी क्रीम को लेना है और अपने आईलिड के ऊपर डैब करते हुए, ज़्यादा फैलाना नहीं है, उसी जगह पे डैब करना है। और यहाँ पे मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ ब्लश, और ब्लश को मैं लगाऊंगी अपने आई शेडो की तरह। तो एक फ्लफी सा ब्रश लेना है और आई शेडो को, जो आपने ब्लश लिया है उसको पूरा एज अ आई शेडो स्प्रेड कर लीजिए पूरे आईलिड पे। ब्लश है, ब्लश को अच्छे से लगाइए। यहाँ पे मैं फ्लफी सा ब्रश यूज कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे हल्का सा स्मोकी इफेक्ट लाने के लिए काजल का इस्तेमाल कर रही हूँ। लैक्मे आइकॉनिक का काजल मैंने यहाँ पे लिया है और बस थोड़ा सा आईज के एंड्स पे मैंने उस वी शेप या जैसा भी आप डॉट डॉट बना लीजिए और फिर उसको आप ब्लेंड कर सकते हैं ब्रश से। तो मैं दोनों साइड लगा ले रही हूँ काजल, हल्का सा स्मोकी इफेक्ट लेने के लिए, और फिर ब्रश की मदद से उसको भी ब्लेंड कर लीजिए अच्छे से। तो ये वाला ब्लेंड हो गया है, उसी तरह से आप दूसरी साइड भी ब्लेंड कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ रिमल की आईब्रो पेंसिल, और उससे आईब्रोज़ को फिल करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उसके आईब्रोज़ जब आपकी शेप में दिखती हैं तो उसके बाद आपका जो चेहरा है बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो आईब्रोज़ को फिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपके पास एक आईब्रो पेंसिल ज़रूर होनी चाहिए। और आप अगर शेड चाहते हैं तो डार्क ब्राउन शेड सभी पे सूट करता है, तो आपकी जो आईब्रो पेंसिल है वो डार्क ब्राउन शेड में होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं दोनों आईब्रोज को फिल कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का शाइन लाइन आईलाइनर, और इसे मैं अपने छोटी सी विंग क्रिएट करूँगी। और उसके बाद मैंने सेम लैक्मे आइकॉनिक के काजल को नीचे वाटरलाइन में भी लगा लेना है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मेबेलिन का हाइपर कर्ल वॉल्यूम मस्कारा, और मस्कारे को आप ऊपर और नीचे दोनों आईलैशेस पे लगा लीजिए।
सेम अपना मेकअप रेवोल्यूशन विविड बेक्ड फेक ब्लश यूज़ कर रही हूँ, और ये पीच शेड में है, और उसको भी मैं अपने उंगलियों की मदद से चीक्स पे लगा ले रही हूँ। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर, और हाइलाइटर को लगाते हैं फेस पे शाइन लाने के लिए, कि आपका फेस एकदम ब्लंट सा ना लगे और मैट ना लगे, थोड़ा सा शाइनी इफेक्ट आए। तो उसके लिए मैं ब्लश को लगा हाइलाइटर को लगा रही हूँ अपने चीक्स पे, नोज़ के ब्रिज पे, फोरहेड पे, और क्यूपिड्स बो पे और चिन पे। और लास्ट में मैं लगा रही हूँ अपनी शुगर स्मज मी नॉट से, शेड है ये टैन फैन, ये लिक्विड लिपस्टिक है, और उसको मैं अपने लिप्स पे लगा ले रही हूँ। तो ये है फाइनल लुक, और इस तरह से आप कोई भी मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। ये जो मेकअप लुक है ये आप किसी पे भी पहन सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसे पेयर अप किया है छोटी बिंदी के साथ, फिर आप बड़ी बिंदी के साथ भी इसे पेयर अप कर सकते हैं, सूट साड़ी पे भी इसे इस तरह का मेकअप आप कर सकते हैं। ये सिंपल एवरीडे डे टाइम मेकअप भी है, तो आप दिन में भी ऐसा सिंपल मेकअप कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।